नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोलके सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए एक नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की। राजस्थान में बर्ड फ्लू का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को भीलवाड़ा जिले में भी इस संक्रमण की पुष्टि हुई, तो वहीं बीते दिनों भेजे गए मृत पक्षियों के सैंपल में एक पक्षी की रिपोर्ट पॉजिटिव सामने आई है। इसी तरह राजस्थान के 33 जिलों में से अब तक 17 शहरों में बर्ड फ्लू के केस भी सामने आ चुके हैं। आप सभी को बता दूं, पशुपालन विभाग की रिपोर्ट को देखें तो शनिवार को पूरे राज्य में 215 पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिसमें जयपुर के 59, कोटा के 26, नागौर और झालावाड़ के 20-20, बारा में 22 और जोधपुर में 18 पक्षी मरे हुए पाए गए हैं। इसी के अलावा बूंदी, पाली, जालोर, बाड़मेर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, टोंक, अजमेर, झुंझुनू और दौसा में भी पक्षियों की मौत सामने आई है, लेकिन इन जिलों में मौत की संख्या 10 से कम रह गई। वहीं पक्षियों के मरने की बात करें तो उदयपुर को छोड़कर के शेष सभी 32 जिलों में पक्षी मर चुके हैं। और राहत की खबर तो यह है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में पक्षियों के मरने की संख्या में भी कमी हुई है, और 12 जनवरी को प्रदेश में कुल 626 पक्षी मरे थे। उसके बाद 13 को 443, 14 को 318, 15 को 244 और अब 16 जनवरी को 215 पक्षियों की ही मौत हुई है। बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को CJM ग्रामीण कोर्ट द्वारा सुनाई गई 5 साल की सजा के खिलाफ में अपील सहित मामलों पर जिला एवं सेंशन न्यायालय जोधपुर में सुनवाई हुई है। एक बार फिर सलमान अदालत में उपस्थित नहीं हुए और सलमान के वकील ने कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए हाजिरी माफी की अर्जी पेश की है। अदालत ने हाजिरी माफी स्वीकार करते हुए आगामी सुनवाई के लिए 6 फरवरी के समय मुकर्रर किया है। अगली सुनवाई पर अदालत ने सलमान खान को जमानती मुचलके पेश करने और सुनवाई में उपस्थित रहने के आदेश दिए, और ऐसे में अब अगली सुनवाई पर सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहना होगा। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जयपुर सहित 13 शहरों में नाइट कर्फ्यू फिलहाल अभी जारी रहेगा। इससे पहले राज्य सरकार ने 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू सहित कोरोना से बचाव की अन्य गाइडलाइंस भी जारी की थी। अब सरकार ने अगले आदेश तक इसको जारी रखने का फैसला लिया है, और जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय ने ये आदेश भी जारी किए हैं। इसके तहत पहले की तरह रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकार ने फिलहाल जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर और गंगानगर जिले के शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू जारी रखने के आदेश भी जारी किए हैं। वहीं आपको बता दूं, राज्य सरकार के अनुसार कोरोना संक्रमण को और बढ़ाने से रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू को अभी जारी रखा जाएगा। कर्फ्यू रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी है, और इसी दौरान सभी 13 जिलों के शहरी इलाकों में स्थिति बाजारों को रात 8 बजे से पहले बंद कर दिया जाएगा। राजस्थान के जालोर में शनिवार की रात करीब 10:45 बजे बड़ा हादसा हो गया। एक बस 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई है और बस में आग भी लग गई। इससे 6 लोग जिंदा जल गए, तो वहीं 36 लोग झुलसते हुए भी नजर आए हैं। इनमें से ज़्यादातर जालोर जिला अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ लोगों की हालत गंभीर होने के चलते हुए उन्हें जोधपुर भी रेफर किया, तो वहीं सभी लोग जैन समाज के बताए जा रहे हैं, जो नाकोड़ा तीर्थ से दर्शन करने के बाद में अजमेर और ब्यावर लौट रहे थे। हादसे में ब्यावर की सोनल, सुरभि, चांद देवी, अजमेर के राजेंद्र और ड्राइवर धर्मचंद जैन की मौत भी हो चुकी है। कंडक्टर की भी मौत हो गई है। वहीं आपको बता दूं कि जो लोग झुलसे हैं उनमें से कुछ की पहचान अभी नहीं हो पाई है। इनमें जयपुर की प्रियंका, अजमेर की निशा, ब्यावर की शकुंतला, अनौसी, भीलवाड़ा की शिल्पा बापना, ब्यावर की सुनीता, जयपुर की सीमा, रितिका और शिल्पा, इनके नाम अभी सामने आ चुके हैं। वहीं हादसा जालौर जिले से 7 किलोमीटर की दूर महेशपुरा गांव में हुआ है। जैन श्रद्धालु 2 बसों में शुक्रवार की रात ब्यावर से रवाना हुए थे, तभी सभी जालौर जिले के जैन मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। दर्शनों के बाद लौटते समय रास्ता भटक करके महेशपुरा गांव पहुंच गए, और गांव की सकड़ी गलियों से गुजरते समय एक बस 11 kV लाइन की चपेट में आ गई और करंट फैलने से बस में आग लग गई।
आखिर कोरोना काल के 319 दिनों बाद में शनिवार की सुबह करीब 12 बजे वो शुभ घड़ी आई थी जब टीकाकरण की शुरुआत हुई। पहले दिन प्रदेश भर में कुल 16,613 हेल्थ वर्कर्स को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जानी थी, जिनमें से 12,258 यानी 73.78% लोगों को लगाई गई। चार जिले जोधपुर, अजमेर, अलवर और बूंदी में 100% वैक्सीनेशन भी किया गया है। सबसे ज़्यादा 114% टीकाकरण अलवर के अंदर किया गया, तो वहीं सबसे कम 36% जैसलमेर में हुआ है। टीका लगने के बाद में 21 डॉक्टरों व हेल्थ वर्कर्स की तबीयत भी बिगड़ी है। हालांकि इनमें से कोई भी गंभीर नहीं है, लेकिन अलवर के 5, बाड़मेर के 4, जयपुर के 3, अजमेर, भीलवाड़ा व उदयपुर के 2-2, डूंगरपुर, पाली, सवाई माधोपुर का 1-1 शामिल है। प्रदेश के 167 वैक्सीन सेंटर बनाए गए थे और राजधानी जयपुर में 21 सेंटरों पर 2100 को आना था, लेकिन टीका लगवाने के लिए 1303 ही आए हैं। यह 62.4% है। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को प्रदेश की 167 साइट्स पर एक साथ टीकाकरण अभियान शुरू किया था। पहले चरण में प्रदेश के 4,80,977 और केंद्र के 6,755 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जानी थी। देश में पीएम नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया और वैक्सीन तैयार करने वाले वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और अन्य कार्मिकों को बधाई भी दी। दोपहर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।